देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज। खबर लखीसराय के चानन से है। छठ पूजा आस्था का महापर्व में डूबते हुए और उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। हमारी संस्कृति वर्षों पुरानी संस्कृति जिसका कभी आकलन नहीं किया जा सकता। हमारे देवी देवताओं का पूजा पाठ या संस्कृति के बारे में बहुत ही गहन अध्ययन करना पड़ता है, जिससे लोग इसे जाने समझे और सुने और आगे बढ़े। छठ पूजा जिसे लोक आस्था का महापर्व कहते, इसे मनाने देश विदेश से लोग आते हैं और सूर्य भगवान संग छठ मैया का आशीर्वाद लेते हैं। घाट पर पहुँचते लोगों में शंभु मंडल, हीरा मंडल, सुरेश महंत, वसंत मंडल, राजेंद्र राय, नरेंद्र मंडल संग अन्य ने इनकी महिमा का बखान किया। लखीसराय चानन से सुजीत संग श्रवण कुमार की रिपोर्ट। छठ पूजा के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये छठ पूजा समिति हनुआ ग्राम के सभी नौजवानों के सहयोग से इस साल प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी सौरभ से मनाया जा रहा है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम धनंदर मंडल। कहाँ से? थानवा से। पंचायत? जानकीडी। धन्यवाद। छठ महापर्व के बारे में आप क्या बोलेंगे? छठ व्रतियों और छठ व्रतों के बारे में और आपके कमेटी के बारे में, इसके बारे में क्या बोलेंगे? अनुभव सब दिन सामाजिक और आदर्श काम है और हम लोगों के आशीर्वाद से जो मेरे गांव का नौजवान लोग हैं वो बड़ा तन मन से और बिल्कुल भेदभाव भुला के और ये छठ जो है छठ पर बहुत आस्था रखते हुए हर एक साल की भांति अब की साल जो है कुछ ज़्यादा जो है सो सौरभ है और सजावट है। आपका शुभ नाम? राजेंद्र राय। कहाँ से? हरवस्ती। पंचायत? जानकीपुर। धन्यवाद। पूजा के शुभ अवसर पर जो छठ पूजा होता है इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? मैं धनवा गांव का हूं और मैं बचपन से देखता हुआ आ रहा हूं कि इस तरह से घाट का सजावट नहीं होता था और हमारे गांव का युवक और परदेशी युवक लोग जब आ जाते हैं गांव तो अच्छा खर्च बर्च करके और हमारे गांव से घाट तक का इतनी शोभा दिन प्रतिदिन बढ़ाते ही जा रहे हैं कि हम लोगों को 70 वर्ष का उम्र है और देखने में काफ़ी आनंद आ रहे हैं। आपका शुभ नाम? वसंत मंडल। कहाँ से? हनवा। पंचायत? जानकीडी। छठ पूजा के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए छठ पर्व जो मनाया जाता है ये आस्था का पर्व है और पौराणिक कथा भी इसके पीछे है। छठ मैया जब सृष्टि के बाद जब असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा तो देवी दुर्गा छठ मैया के रूप में षष्ठी के दिन जिस दिन पहला अर्घ कहते हैं प्रदान करते हैं उसी दिन जो है षष्ठी के रूप में असुरों को संहार करने लगा और उसी बीच में जो है बाबा भास्कर के द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। उसी दिन से जो है छठ मैया का पर्व मनाया जाता है। छठ मैया पर लोगों को आस्था है, विश्वास है और जो छठ मैया का व्रत करेंगे वो सारा धन निधान से पूर्ति करने वाली छठ मैया का व्रत है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शंभुनाथ मंडल है। कहाँ से? धनबा से। पंचायत? पंचायत जानकी जी। धन्यवाद। छठ पूजा के शुभ अवसर पर आप क्या बोलेंगे? ये जो छठ मनाया जा रहा है छठ व्रतियों और छठ व्रता के द्वारा इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? इसके बारे में हम क्या कहें, ये तो हर साल की भांति मनाया जाता है और बहुत धाम धूम उत्साह के साथ ही छठ पर्व महापर्व के रूप में यहाँ दिखाई देता है और बहुत हंसी खुशी की बात है यहाँ। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम हीरा मंडल हुआ। कहाँ से?
धनवा है ग्राम की पंचायत जानकी जी, धन्यवाद। आस्था का पर्व महा छठ पर्व के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत खुशी का बात है, हमारे लिए जो ऐसा होते रहे। आपका शुभ नाम? सुरेश। कहाँ से? धनवा। पंचायत? जानकी जी।